हेलो स्टूडेंट, आज हम जो लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर आया था उसके बारे में बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका जो कल केमिस्ट्री का फाइनल पेपर है वो कैसे आएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उससे रिलेटेड और उसके जैसे ही कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यही क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लिया मैंने केमिस्ट्री का, तो उसको हम बारी बारी जितना मैं सॉल्व कर सकूंगा उतना मैंने सॉल्व किया है। देखिए, समझिए, और बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बताए गए हों जो कल आपके लिए अच्छी खासी हेल्प कर जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, ये जो नंबर है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 6 आएगा इसका आंसर टोटल, ठीक है। फिर सेकेंड है नंबर ऑफ प्रोटोन इन दिस कार्बन 13 एंड 6, इसका आंसर 6 आएगा। और फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, इसका आंसर आएगा एटॉमिक वेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, यानी जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में मॉडरेटर के रूप में किसको यूज करते हैं, तो उसका आंसर आएगा हैवी वाटर। और केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, ये तो कोई भी दिखा देगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और सेवंथ स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्बोरंडम इज सिलिकॉन कार्बाइड, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो एलोट्रॉपी, तो इसका आंसर आएगा फास्फोरस, फास्फोरस जो एलोट्रॉपी शो करता है। फिर नेक्स्ट है सी एन एच टू एन प्लस टू इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फार्मूला है, है ना। और ये है मैचिंग वाला एक क्वेश्चन आता है, जैसे अल्काली मेटल, इनर्ट गैस, लैंथेनाइड, एस्टेनाइड, और ये जो इधर सिंबल दिए गए हैं सारे, है ना, ये इसका आंसर, देख लेना, इसको स्क्रीन शॉट ले लेना। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है उस पर चलते हम धीरे धीरे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन आइटम, इसके मैंने दो आंसर तैयार किए हैं, ठीक है, दोनों में से जो सही लगेगा वो लिख देना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने जो सेकेंड आंसर है वो लिखोगे ज़्यादातर लोग। सो फर्स्ट आंसर भी आते हैं सबसे पहले, तो आपने लिखना है बिल्कुल सेम, द मेन पॉसिबिलिटीज ऑफ बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम आर एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं इन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और उसका रेडियस क्या होगा, फिक्स होगा, और एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। और जिस पाथ पे वो घूम रहे होते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिट्स, ठीक है, क्लियर है। यानी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते एक फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी के साथ, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं जिस पाथ पे वो घूम रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेड इन वन ऑर्बिट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मूव करते रहे तो ये किसी भी टाइप की एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और इसीलिए द इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कभी आते ही नहीं है, ठीक है, उसी सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। और थर्ड पार्ट है एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, यानी जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तब वो कहाँ मूव करते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की ओर मूव करते हैं, ठीक है। और जब
वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी की ओर जाए तब वो एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे जब लोअर से हायर स्टेट की ओर जाएंगे, और जब हायर से लोअर स्टेट की ओर जाएंगे तो एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा याद, वैसे भी यहाँ पे दो ही पॉइंट बोला है लिखने को, अगर ये नहीं होगा याद तो नेक्स्ट आंसर मैं दिखाता हूँ, वो इससे भी शॉर्ट है, ये आप लोग लिख पाओगे इजीली। सो इसके आंसर में आपने लिखना है द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज एन इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, यानी जब वो मूव करते हैं कोई ना कोई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम होता है उसको क्या कर देते हैं हम, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक है, एक एक अमाउंट होता है वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस अमाउंट को, उससे ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो बढ़ नहीं सकता। दो पॉइंट बोले तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हो बोर्स मॉडल में, है ना। और थर्ड पॉइंट है द चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एज इट मेक्स अ क्वांटम जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इज ऑलवेज अकॉम्पनीड बाय एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ ए फोटॉन। जो लास्ट पॉइंट उधर बताया था ना मैंने, एक जगह पे क्या करते हैं एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और एक जगह पे एनर्जी अमिट करते हैं, तो वैसे ही जब फोटोन अमिट और अब्सॉर्ब होंगे तो कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेगा तब इनकी एनर्जी में भी चेंज होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने लिखा है डिस्क्राइब द हाइड्रेशन हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PSL5। ये जो PSL5 है इसका हाइब्रिडाइजेशन डिस्क्राइब करना है हमें। तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है कि ये सब क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम फास्फोरस की कॉन्फिगरेशन लिखते हैं पहले। सो द फास्फोरस हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इसका कितने नंबर होते हैं इसके, 15, और 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इस तरह से आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3, 2, 5, 6, 11 और 4, 15 हो गए। अब इसके जो दो लास्ट के ऑर्बिट बचे हैं ना s और p, इसके बारे में मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, है ना। सो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने क्या करना है, वो ऑर्बिटल का थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर टाइप बना लेना है यहाँ पे इस तरह से। तो पी की हम यानी फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट देखते हैं, इन दो को देखना सिंपली आपने जो लास्ट में, बाकी तो फुल है, ये एम्प्टी है। ठीक है, सो एस की जगह क्या आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3s2, और ये हमारे पास 3p3, ये तीन इलेक्ट्रॉन इधर आ गए 3p3। 3dm में खाली रखा। ठीक है, इतना क्लियर है ग्राउंड स्टेट में। सबसे पहले क्या होगा, ये 3s के दो इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p के थ्री इलेक्ट्रॉन और 3d खाली। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो 3p होता है ना, 3p इसका क्या बन जाएगा, 3px1, 3py1 और 3pz1। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 3px1, 3py1, 3pz1। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए 3p के, और ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और वो कहाँ जाएगा, d में चला जाएगा। ठीक है, d में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 2 2 2, और ये बॉन्डिंग बन गई इन सबकी, मतलब अच्छे से ये बॉन्ड बना सकते हैं PCl5 के साथ। ठीक है, सो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, 5। ठीक है, 5 बताए थे, तो इसका मतलब है वन इलेक्ट्रॉन ईच इज शेयर्ड बाय क्लोरीन एटम, यानी जो क्लोरीन एटम है 5 बचे रहे ना इसके, और ये Cl5 है, तो सारे इसके साथ क्या हो जाएंगे, Cl के साथ शेयर हो जाएगी। सो PSL5 मॉलिक्यूल हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3 और d। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
और इसका जो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम ट्राइगनल बाइक्राहेड्रल, जो इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपने लिखना है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एक साइंटिस्ट है, वो क्या बोलता है अभी देखना है। यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी बोलती है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। यानी गिब्स की फ्री एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए जरूरी होती है। सपोज जैसे मैं ही हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। जब मेरे पास ये एनर्जी रहेगी नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये कम हो जाएगी तो मैं क्या होगा, थोड़ा थकान फील करूंगा, मेरे जो काम करने की स्पीड है कम हो जाएगी, है ना, मतलब अच्छे से काम मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी किसी भी सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत तो होती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। इसकी हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारा हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, एच हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी, यानी मेरे सिस्टम को चलाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है मेरे सारे काम करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, और माइनस टी एस, यहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर है और एस है हमारे पास द एनर्जी ऑफ सिस्टम, तभी तो इसको एस से डिनोट किया है, द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन इट्स एंट्रोपी और फ्रीडम। यानी अब देखो, मैं अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर दूं किसी भी काम में तो क्यों जाऊँ, गिर जाऊंगा, बेड पे गिर जाऊंगा, जमीन पे गिर जाऊंगा, उठ ही नहीं पाऊंगा, है ना, अगर टोटल एनर्जी मेरे से निकाल दी जाए। तो हर एक सिस्टम यानी हर एक आदमी ऐसी कोशिश करता है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी वो मेंटेन करके रखता है कि इससे कम मेरे को मतलब छोड़नी नहीं, एनर्जी नहीं कम करनी। जैसे सपोज मैं रोज 10 किलोमीटर चलता हूँ, है ना, अब मेरे को लगता है कि 10 किलोमीटर के बाद मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं 10 किलोमीटर नहीं चलूंगा, मैं थोड़ा कम चलूंगा। यानी मेरे को भाई चलने फिरने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए, रिजर्व एनर्जी तो चाहिए, जिसको मैं कभी भी वेस्ट नहीं करूंगा। अगर उसको वेस्ट कर दी तो मेरा सारा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एंट्रोपी या फिर फ्रीडम। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लो, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने लिखना है पहले गिव्स फ्री एनर्जी, फिर उसके डेफिनेशन में लिखना है अपना द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। यानी सिस्टम की वो पूरी एनर्जी जो उसे सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होती है। फिर आपने इक्वेशन लिख देनी है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी आ जाएगा आपका गिब्स फ्री एनर्जी, एच आ जाएगी आपकी टोटल एनर्जी, और माइनस टी एस आपकी वो एनर्जी होती है जिसको आप कभी भी वेस्ट नहीं करते। ठीक है, वो आपको चाहिए चाहिए होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी में से आपकी जो टोटल एनर्जी है उसमें से आपने इस एनर्जी को रिमूव नहीं करना है, तभी आपका सिस्टम ठीक चलेगा। अगर इसको रिमूव करिए तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू मेंटेन इट्स एंट्रोपी और फ्रीडम। तो यही है आपका हाउ इट रिलेटेड टू एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। सो ये देख लेना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये दिखाते हैं सीजियम रेदर देन लिथियम। ठीक है, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, व्हाट कॉजेस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर हार्ड क्यों हो जाता है और उसको हार्डनेस रिमूव कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड व्हेन क्लोराइड एंड सल्फाइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी जब मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्लोराइड एंड सल्फाइड वाटर में घोल दिए जाते हैं, डिजोल्व किए जाते हैं, तब वाटर क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, और इसको
परमानेंट हार्डनेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंपल बॉयल करने से, वाटर को बॉयल करने से हम इस परमानेंट को रिमूव, परमानेंटली इस हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हार्ड वाटर को किसके साथ मिक्स करना पड़ता है, वाशिंग सोडा के साथ, जिसकी उसकी हार्डनेस वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीजियम है, वाई सीजियम रेदर देन लिथियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना उसमें हम सीजियम को यूज क्यों करते हैं, लिथियम का क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले मैं आंसर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सो आंसर में आपने सिंपली लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो तो सीजियम लिखा है ना, तो यहाँ पे आप पोटेशियम भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों का लिख दिया है। अगर सीजियम पूछा होगा तो आपने सिर्फ यहाँ पे सीजियम लिखना है, पोटेशियम पूछा होगा तो पोटेशियम लिख देना है, दोनों पूछा होगा तो दोनों लिख देना है। ठीक है, सो इसका सिंपल आंसर आएगा बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम एंड सीजियम, यानी पोटेशियम और सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम की ज्यादा होती है और इनकी क्या होती है, कम होती है। सो दे आर एबल टू लॉस देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज्ड और इरेडिएटेड विद लाइट, यानी जब भी उनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अमिट होना शुरू हो जाते हैं, लॉस करना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसी वजह से ये लिखा है दैट दिस प्रॉपर्टी मेक सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बट लिथियम ऐसा नहीं होता। ठीक है, लिथियम ऐसा नहीं होता, इसलिए हम लिथियम को यूज नहीं करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। अभी मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो, जैसे आपने वो बैटरी लगी होती है ना, सोलर बैटरी, ठीक है, उसका क्या सिस्टम होता है, जो प्लेट जो पड़ी होती है ना प्लेट, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, रोशनी या धूप पड़ती है, तो क्या होता है, अगर वहां पे प्लेट सपोज पोटेशियम की लगी है या सीजियम की लगी है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उनके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या मूव करना शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होगा तो बैटरी चलेगी और लाइट भी अच्छे से आएगी आपकी, समझ रहे हैं। बट ये जो लिथियम होता है ना, लिथियम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम इसका यूज नहीं करते हैं, समझ गए। तो आपने सिंपली इसका आंसर लिखना है बिकॉज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम सीजियम इज लो एज कंपेयर टू लिथियम, दे आर एबल टू लॉस देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे यानी उसके इलेक्ट्रॉन मूव होंगे जब भी उनके ऊपर लाइट पड़ेगी, तभी करंट प्रोड्यूस होता है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाई डज बोरोन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज ए लुईस एसिड, ठीक है, एक लाइन का आंसर है, अब ये एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने सिंपली लिखना है जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 बिहेव्स एज लुईस एसिड, जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखा सिंपली है ना, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज है इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसकी एक ऐसी कैपेसिटी है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह काम करता है ना। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज ए लुईस एसिड बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब BF3 में देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोरोन में, 3, आपके पास भी 3 है, ठीक है, तो बोरोन कितने हैं, 3 के साथ घिरा होगा टोटल 6, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ घिरा है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी
ऐसी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स जिसमें उनको अपना अपडेट कंप्लीट करने के लिए अदर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सिंपल आंसर लिखना है, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब नेक्स्ट होते हैं हम डिफाइन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपने सिंपली लिख लेना है ऐसे। पी टी मतलब प्रेशर टोटल इज इक्वल टू P1 + P2 + P3, ठीक है, डैश डैश लगा देना ऐसे। और यहाँ पे लिखना द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ ए गैस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। इसको आप सिंपली इस तरह से समझो, सपोज आपके पास एक जार है, ठीक है, एक जार है आपके पास, उसके अंदर दो तीन गैसेस पड़ी है, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, मैं ना आपको थोड़ा सा पेट में दिखा देता हूँ करके। सपोज ये जार है ना, अब यहाँ पे ये अलग अलग आपके पास गैसेस पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस है अलग अलग तरह से प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है इस जार के ऊपर, ठीक है, अलग अलग प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है ना ये। तो ये क्या बोल रहा है कि इस जार के ऊपर जो टोटल प्रेशर है ना, प्रेशर वो क्या है, इन सब गैसेस का जो अलग अलग प्रेशर है उन सब का टोटल, यही है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। बस इतना, ये सिंपली इक्वेशन लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा कुछ ना कुछ, या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी एक नंबर का है, काफी एक नंबर के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन CH3 CO CH3। अब यहाँ पे पहले तो मैं सिंपली आपको आंसर दिखा दूंगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर ये मैं बताऊंगा भी कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सो जब इसका बॉन्डिंग वगैरह बनाएंगे ना हम, अब कैसे बताऊं मैं आप लोगों को, यार बना तो लेते होने वो बॉन्ड वगैरह, जैसे सी को 3 बार H लगाना है, फिर एक और डैश लगाना है ना, इस तरह से बना लेना। आप, मैं सिंपली आंसर दे रहा हूँ बस। सो कार्बन एटम 1 एंड 3 आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो पहला और तीसरा कार्बन एटम है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 होगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन एटम है उसका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है, ये इसका सिंपली आंसर है। अब ये तो चलो एग्जांपल है ना, अगर इससे रिलेटेड और कुछ पूछा हो किसी और इक्वेशंस को तो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन आइटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर sp3 कब होती है, जब ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, देखिए सी है ना, तो तीनों को एक एक लगा होगा यहाँ पे, ठीक है, जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं ना तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 कब होती है, जब उनके बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे दो लाइनें लगी होनी चाहिए, ठीक है, जब डबल बॉन्ड होगा तो वो sp2 होगा। sp3 के लिए सब कुछ सिंगल, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, sp2 के लिए डबल होना चाहिए, और जो sp है उसके लिए या तो 3 बॉन्ड होने चाहिए या फिर 2 बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में से एक भी है तो वो sp होता है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो CH3 है, CH2, CHN, CH2। अब यहाँ पे देखो जो C है ना, C एक तो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और एक C के साथ भी अटैच है, यानी इस तरह का केस बन रहा है, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। अब यहाँ पे देखो C है ना, एक H इधर, एक H इधर और एक C के साथ, तो ये भी कैसा बन रहा है, sp3 बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक साइड से C सिंगल है ना और एक साइड से डबल है, तो अब बोलो क्या होगा इसका, बोलो बोलो जल्दी क्या होगा, sp2 आया ना डबल यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट वाले का 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि 2 है इधर भी,
क्लियर है। बस यही तो आपका मॉडल टेस्ट पेपर है ना, काफी क्वेश्चन हो गए होने इससे। ठीक है चलो ठीक है, तो फिर थैंक यू, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अब बताना खुद ही मत पास होना, दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी बताना है आपने, ठीक है, रिलेटिव रिश्तेदार दोस्त सबको पास करवाना है, खुद ही मत अकेले पास होना। ठीक है बाय।